मोदी जी जब जब फंसते हैं तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। लोकसभा के चुनावी संग्राम में छठे चरण का शोर खत्म होते होते चुनाव आयोग की कुंभकर्णी नींद खुलती है और 22 मई को बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस भेजा जाता है कि आप हिंदू मुस्लिम मत करिए और आप अग्निवीर योजना को लेकर संयम बरतिए। हालांकि इस नोटिस का असर हुआ ढाक का 3 पाद, यानी कोई असर नहीं हुआ। एक ओर पीएम मोदी समेत बीजेपी नेता अभी भी धार्मिक मुद्दों पर चुनावी शोर मचा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अग्निवीर वाले हथियार से अब भी वार प्रहार कर रही है। शुक्रवार 24 मई को तो बकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने मोर्चा संभाला और एक एक कर मोदी सरकार की इस योजना को लेकर हमला बोला। क्या मोदी जी आपकी सरकार के पास देश की सुरक्षा के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना पे खर्च करने के लिए आपके पास बजट नहीं है? आप तो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आप अगर मॉडर्नाइजेशन के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, उसके लिए हम जो है 4 साल के मात्र सैनिक लेके आना चाहते हैं, हम पेंशन और ग्रेच्युटी और इस सारी चीज को बचाना चाहते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये पॉलिसी ही बुनियादी तौर पे गलत है, इसलिए हम इस पॉलिसी के बारे में हर जगह जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पॉलिसी देश के लिए सही नहीं है, तो इसको पॉलिसी को जाना पड़ेगा। तो हम अपने देश की सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को ये होप देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को सरकार बनाएगी तो अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थायी प्रबंधन का काम करेगी और इसके अलावा पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको लागू करेगी। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरा ही, साथ ही इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर भी तंज कसा और कहा कि मोदी जी जब भी फंसते हैं वो कोई ना कोई सहारा ढूंढ ही लेते हैं। मोदी जी जब जब फंसते हैं तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। पहले वो डिफेंस का सहारा ढूंढते थे, डिफेंस फोर्सेस के पीछे जाकर छुपते थे और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए एक डायरेक्शंस इशू करवाई गई। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण के बाद से ही राहुल गांधी अग्निवीर योजना को बड़ा सियासी हथियार बनाकर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर योजना को रद्द करने का दावा भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है, यह पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ, अग्निवीर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की ताबड़तोड़ हमलों से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। बता दें कि आने वाले 2 चरणों में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड की कई सीटों पर मतदान होने वाले हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सीटें वो इलाके हैं जहाँ के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होते हैं।
और यही वो इलाके थे जब अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं का ऐसा गुस्सा फूटा था जिससे पूरा देश हिल गया था। ऐसे में अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आपको क्या लगता है, राहुल के इस अग्निवीर वाले हथियार से चुनाव में मोदी सरकार पर प्रहार बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।